हेलो दोस्तों, ये एक्लोवाइट की सोकैम कंपनी की 24 वोल्ट की किट है। ये ओरिजिनल किट नहीं है, जो मार्केट में बिकती है डुप्लीकेट, ये वही किट है। ये दिल्ली में बनाई जाती है और इसमें जो इसमें फॉल्ट आ रहा है ज़्यादातर चार्जिंग का, मेन लगाती है इसमें चार्जिंग आती है झटके से, और किट में भी थोड़ी SCR के पास स्पार्किंग होती है, तो इस फॉल्ट को हम आज ठीक करेंगे। तो इसको मैंने 24 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और ये मैंने ट्रांसफार्मर के तार इस पर लगा दिए हैं। अब इन्वर्टर की इस किट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आता है। ये फॉल्ट काफ़ी इस किट में आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो 250 वोल्टेज ये किट निकाल रही है। ये इसका स्विच होता है, स्विच को मैंने डायरेक्ट कर रखा है। अब मैं स्विच को हटा कर दिखाता हूँ। ये सामने देख सकते हैं मीटर लगा है और ये मैंने फिर से इस स्विच को ऑन कर दिया। अब इसका मेन प्लग लगा के, मैंने ये जो लगाया है प्लग वो सीरीज में लगाया है, तो सीरीज में लगा के इसको चेक करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर SCR के पास इस तरीके की स्पार्किंग होती है, और जैसे ये स्पार्किंग होती है वैसे ही चार्जिंग इसकी झटके लेने लगती है। तो काफ़ी किटें हमारे पास लौट के आई हैं और काफ़ी इन किटों में ये फॉल्ट आ रहा है। तो इसका मैं तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। एक नीचे प्रिंट जाता है और ये SCR उसी पर टिका होता है, जिसकी वजह से ये स्पार्किंग होती है। मैंने SCR को बाहर निकाल लिया है और देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिंट होता है। तो प्रिंट पे जब SCR ये टिक जाता है और फिर थोड़ी नमी पकड़ने के बाद ये स्पार्किंग करने लगता है, तो इसको हम साफ़ कर देते हैं इसको यहाँ से, और ये जला हुआ है इसको भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। और बाकी जो SCR है इसकी थोड़ी सी हमें कटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं कांटे से इसको थोड़ा सा काट कर इसमें लगाऊंगा। देख सकते हैं मैंने इसको साफ़ कर दिया है और इसको SCR की थोड़ी सी हिस्टिंग हमने काट दी है, जिससे कि ये नीचे उस प्रिंट पर टिके नहीं। अब इसको इस तरीके से लगा देंगे और फिर इसको चेक करेंगे। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इस किट की ख़राब हो चुकी हैं। ये दिल्ली वाली किटों में काफ़ी इसमें का फॉल्ट इस समय देखने को मिल रहा है। अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि इसमें और कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो इसके जैक लगा लेते हैं। और इसको 24 वोल्ट पर लगाकर चेक करेंगे कि इसमें कोई और फॉल्ट तो नहीं रह गया। तो ट्रांसफार्मर के तार भी इस पर लगा देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। ये MCB उठाकर बैटरी के अब इसके स्विच को ऑन करते हैं। देख सकते हैं 250 वोल्टेज इसके आ रहे हैं। अब इसकी मेन को डायरेक्ट लगाकर इसके मेन और चार्जिंग को चेक कर लेते हैं। मेन इसमें आ चुकी है, और कभी भी ये किट आप इन्वर्टर में लगाएं तो इस चीज़ को ज़रूर से चेक कर लें। मेन भी ठीक हो चुकी है और इसमें चार्जिंग भी आ गई है। 10 एम्पियर इसकी चार्जिंग है, क्योंकि इसका बैटरी कट लग चुका है। 27 वोल्ट इस बैटरी में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 27 वोल्ट बैटरी के हैं, 27.5, इसलिए एम्पियर कम होने शुरू हो गए हैं। जब बैटरी चार्ज होती रहती है तो एम्पियर कम हो जाते हैं, नहीं तो इसके 18 से 20 एम्पियर तक इसकी चार्जिंग होती है। चार्जिंग की LED की पिन पर हम मल्टीमीटर को रख के देख लेते हैं कि चार्जिंग की LED जल बुझ कर रही है या डायरेक्ट चल रही है।
तो 5 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट जल रही है, बैटरी का कट लग चुका है। ये किट बिल्कुल ओके हो चुकी है।